एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें गिवन है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, सीकेंट थीटा की जगह हम वैल्यू लिख लेते हैं 1 ओवर कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा की जगह लिख लेते हैं उसकी वैल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है। इनका हम ले लेते हैं एलसीएम कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम ऊपर नीचे अलग अलग कर लेते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे से हमने कॉस की वैल्यू को साइन में कन्वर्ट करना है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पहले हम सवालों में यूज़ करते रहे और अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ लिखें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम आगे इसको लेके चलते हैं, ये वाला फार्मूला यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पे हम ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम प्रोसीड क्या करेंगे कि जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने फॉर्मूला यूज़ किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको भी इसी तरह हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर वाली ब्रैकेट को भी हम अलग अलग कर लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा एक दफ़ा, 1 माइनस साइन थीटा दूसरी दफ़ा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक हो गया। ये पूरी ब्रैकेट ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ कैंसिल हो गई और हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, जो के राइट हैंड साइड के इक्वल है।